अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख, अगर मैं अपने हलाल जरिए से कमाई हुई रोजी को किसी ऐसे इंसान को दूं जिसके ऊपर सूदी लोन है, मतलब मैं भी उसको एज अ लोन दे रही हूँ, बाद में मुझे लौटाएगा, तो क्या मुझे ऐसा लोन देना जायज़ है, जबकि मैं जानती हूँ कि वो इसे अपने सूदी लोन चुकाने में यूज़ करेगा? जहां तक मैं समझ पाया हूं सवाल बहन का, वो ये कि किसी आदमी के ऊपर सूदी लोन है, वो चुका नहीं पा रहा है, मेरे पास आया मुझसे भी कर्ज मांग रहा है, तो क्या मैं उसको कर्ज दे दूं ताकि जाकर के अपना लोन चुका दे? ये ना सिर्फ ये कि जायज है बल्कि ये अफजल है। आप गोया कि सामने वाली वाले की मदद कर रही हैं, उसको गुनाह के दलदल से निकलने में उसकी मदद कर रही हैं। आपके दिए हुए कर्ज से वो सूद से छुटकारा पा जाएगा, जितनी जल्दी मुमकिन है छुटकारा पा जाएगा, तो इस पर इंशाल्लाह आपको अजर भी मिलेगा, ये बहुत अच्छा काम है। जी सिस्टर, सिस्टर रिफत जहां, आपको जवाब मिल गया है? जी शेख, शेख जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे बैंक में जितने साल का बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सूद है, लेकिन उस इंसान के ऊपर मतलब उसको कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन अगर वो लोन अगर जल्दी पटा देगा तो उसका जो सूद है वो कम हो जाएगा, तो ऐसी हालत में मैं दे सकती हूँ क्या? ये सवाल समझ नहीं सका मैं। शेख, असल में उनका पूछना ये है ना कि एक शख्स जिसके ऊपर सूदी लेन देन है, उसको सूदी लेन देन पर अफसोस नहीं है कि कर्जा लेकर के मैं उधर दे दूं। वो इसलिए इनसे कर्जा ले रहा है कि वहां जमा करेगा तो सूद कम भरना पड़ेगा, बस अपनी आसानी के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उससे छुटकारा पा लूं, उससे बच जाऊं, इसके लिए वो पैसा ले रहे हैं। हाँ जी, देखिए, एक आदमी है जो सूदी कारोबार कर रहा है जी और जो पैसा आपसे मांग रहा है उसका इस्तेमाल भी उसी में करेगा, जी अपने सूदी कारोबार को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें मदद हासिल करने के लिए वो आपसे पैसा ले हाँ, रहा है। मदद हासिल हो रही है बस। हाँ, अगर उसको मदद हासिल हो रही है अपने सूद वाले काम पर, देखिए दूसरे कामों में मदद ले रहा है तब वो अलग मसला है, लेकिन वो जो सूद का काम कर रहा है उसी सूद के काम में आपसे मदद चाह रहा है, तब ऐसी सूरत में आप उसकी मदद ना करें। अगर आपको पता है कि जो पैसा मैं दूंगी इसका इस्तेमाल वो सूदी लेन देन में जाकर के करेगा, तब आपके लिए जायज जी नहीं है कि आप उसकी मदद करें। मैं इसके उल्टा समझा था कि वो सूद से छुटकारा पाना चाहता है, नहीं, सूद से छुटकारा नहीं पाना चाहता है, बल्कि वो उसका उसके अंदर सूद कम और हो डूबना जाएगा। चाहता है, हाँ उसके अंदर और डूबना चाहता है। जी, एक तरह से उसकी मदद हो जाएगी बस।